माई संदूक। ये कहानी शुरू होती है सुमनगढ़ नाम के एक गांव से, जहां महेंद्रनाथ का कभी बहुत बोल बाला हुआ करता था। समय बीतता गया और बढ़ते समय के साथ लोग उन्हें भूलने लगे। आज महेंद्रनाथ का परिवार भी गांव के बाकी परिवार की तरह ही एक आम परिवार बनकर रह गया था। एक हादसे में महेंद्रनाथ की मौत के बाद उनकी पत्नी ने ही घर को संभाला। वो अक्सर अपनी पोती प्रिया को उसके दादाजी की कहानियां बताया करती थी। बहुत अलग से थे तुम्हारे दादाजी, इन आम लोगों से अलग थी उनकी शक्तियाँ। दादाजी के बारे में कुछ और बातें बताओ ना दादी, वो जादू करते थे ना? जादू नहीं बेटा, वो सिद्धियाँ होती हैं जो दादाजी के पास थी। उनके किस्से कितने भी बताऊं कम ही है। क्या माँ, तुम भी इससे ये सब बताने लगी? कल रात को न जाने ये क्या क्या मंत्र पढ़ रही थी। देखो माँ, मैं नहीं चाहता कि इसका ध्यान पढ़ाई से हटे। पंकज ठीक कह रहा है प्रिया, मैं तो सठिया गई हूँ बेटी, जा तू पढ़ाई कर। पंकज की बात सुनकर प्रिया वहाँ से अपने कमरे में पढ़ने चली जाती है, पर उसके मन में तो बस अपने दादाजी के किस्से को जानना था। ये पापा क्यों मुझे दादाजी की कहानियों से दूर रखना चाहते हैं? ऐसा क्या है उनमें? बहुत हुआ, ऐसा कुछ तो है जो सब मुझसे छुपा रहे हैं। प्रिया छुपकर अपनी दादी के कमरे के बाहर खड़े रहकर उन दोनों की बातें सुन लेती है। माँ, प्रिया को उस संदूक के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह अगर तुम पिताजी के बारे में उससे बात करती रहोगी तो कभी न कभी वो भी बाहर आ जाएंगे जो छुपा होना चाहिए। पापा क्या छुपा रहे हैं मुझसे? क्या छुपाना है? कौन सा संदूक? ये सब क्या चल रहा है? तू कब तक छुपा लेगा प्रिया से इन बातों को? कभी ना कभी वो संदूक भी सामने आ जाएगा पंकज। जिद मत करो माँ, वरना मुझे उस संदूक को कहीं रखकर आना होगा। मैं आज ही उस संदूक को पास के जंगल में रखकर आता हूँ। न रहेगा संदूक, न ही रहेगा प्रिया को कोई खतरा। पंकज रात के ठीक 2 बजे सभी के सोने के बाद अपने घर के स्टोर रूम में जाता है और लाल कपड़े में लपेटे एक संदूक को बाहर लेकर आता है। माफ कीजिएगा बाबूजी, पर हम इन शक्तियों को नहीं संभाल पाएंगे। अब इस संदूक को अलविदा करने का समय आ गया है। सर्दी की ठंडी रात को पंकज उस संदूक को उठाए चल पड़ता है। हवा बहुत तेज बहने लगती है, अचानक ही आंधी आने जैसा माहौल बन जाता है। अरे, ये अचानक मौसम को क्या हो गया? अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं क्या करूंगा? तेज हवाओं के बीच जैसे तैसे पंकज जंगल में पहुंचता है और उस संदूक को वहीं रखकर वापस घर आने को लौट पड़ता है। पंकज को रास्ते में वही संदूक दिखाई पड़ता है। अरे, ये वापस यहाँ कैसे आया? अभी तो मैं इसे जंगल में छोड़कर आया था। पंकज फिर से उस संदूक को जंगल में लेकर जाता है और जमीन में दफना देता है। इस बात से अनजान की प्रिया उसका पीछा कर रही है। पंकज संदूक को दफना कर निश्चिंत होकर घर वापस आकर सो जाता है। तो इस संदूक को मुझसे छिपाना चाहते थे पापा? लगता है इसमें कोई खजाना है। इसे मैं घर वापस ले जाऊंगी। प्रिया संदूक को वापस अपने घर ले आती है और अपने कमरे में जाकर उसे खोलती है। ये सब क्या चीजें हैं? इतना छोटा सा झाड़ू और ये किताब, क्या पापा इनको छिपाना चाहते थे मुझसे? ओहो, बेकार में इतनी सर्दी में जंगल से इस संदूक को मैं ले आई, कल ही वापस रखाऊंगी। ये कहकर प्रिया सोने चली जाती है। वो जैसे ही आंखें बंद करने वाली होती है, किताब में से एक तेज रोशनी बाहर आती है। झाड़ू खुद ब खुद हवा में उड़ने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? किताब में से रोशनी के साथ साथ कई अक्षर हवा में उड़ने लग जाते हैं। कब से अपने मालिक की तलाश कर रहा था मैं, तुम मिल ही गई मुझे प्रिया। प्रिया की आंखों के सामने सभी अक्षर उसके दिमाग में चले जाते हैं। किताब अपने आप बंद हो जाती है। झाड़ू एक छोटा सा डिब्बा बन जाता है
और प्रिया की आंख लग जाती है। अगली सुबह, कल रात जो भी मैंने देखा वो मेरा सपना था या हकीकत? तभी कमरे में बैठी हुई प्रिया को दूसरे कमरे में अपने दादी और पापा की बातें सुनाई देने लग जाती है। मैं यहाँ बैठे हुए कैसे सब कुछ सुन पा रही हूँ, ये कैसे हो सकता है? तभी अचानक से प्रिया को अनजाने साये दिखने लग जाते हैं। हमें बचाओ प्रिया, हमें बचाओ। कौन हो तुम लोग? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। प्रिया की आवाज सुनकर शोभा और पंकज उसके कमरे में आते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक तो हो? पापा मुझे बचा लीजिए, मैं कल वो संदूक अपने साथ ले आई थी, मुझे अब यहाँ पर अजीब से लोग दिखाई दे रहे हैं जो मुझसे मदद मांग रहे हैं। मैं ये जानता था, इसीलिए तो ये सब तुझसे छुपाया मैंने। तेरे दादा यानी मेरे पिताजी महेंद्रनाथ ने लोगों की मदद करने के लिए कई सिद्धियां ली, उन्होंने अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। कई अतृप्त आत्माओं को आजाद करवाने में और कई मजबूरों की मदद करने में ही उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां इस संदूक में छुपा कर रखी थी, पर उनके ही एक चेले ने उन्हें धोखे से मरवा दिया और संदूक चुरा लिया, पर वो ये संदूक खोल नहीं सका। मुझे डर था कि कहीं ये शक्तियों को संभालने की शक्ति तुझ में ना हुई, और अगर तू ही इसकी हकदार हुई तो क्या होगा? तेरे दादाजी की सिद्धियां तू ही इस्तेमाल करके लोगों की मदद कर सकती है बेटा। ये आत्माएं बस तुझे ही दिखाई देगी, क्योंकि तू ही है जो इन्हें बचा सकती है। अब जब शक्तियां तुझ तक आ ही गई है तो भगवान तुझे हिम्मत भी देगा। तुझे बस एक गुरु चाहिए जिनसे मैं तुझे मिलवाती हूँ। शोभा अपने पति के बंद कमरे में जाती है जहाँ वो अक्सर साधना किया करती थी। जैसे ही प्रिया उस कमरे में जाती है, महेंद्र की आत्मा भी वहाँ आ जाती है। ये है तुम्हारे गुरु बेटा। ज्ञान तो प्रिया पा चुकी थी। महेंद्रनाथ प्रिया को सिद्धियों के प्रयोग के नियम की शिक्षा देते हैं। प्रिया इन सब गुणों में महारत हासिल कर लेती है और अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में लगा देती है।